हेलो दोस्तों, डिश न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीडी फ्रीडीज के एमपैक 4 स्लॉट के लिए एक ई ऑक्शन रखा गया था। प्रसार भारती ने 60वां ई ऑक्शन अनाउंस किया था, जिसकी डेट निकल चुकी है और दो चैनल विन हो चुके हैं, यानी दो चैनल ने स्लॉट जीत लिया है। हमने पहले ही बताया था कि आपको अगर एमपैक 4 बॉक्स में ये ई ऑक्शन जो देखने को मिलेगा, कोई खास चैनल देखने को नहीं मिलेंगे, और वैसा ही हुआ। जो दो चैनल जीत चुके हैं उनको आप 5 तारीख से डीडी फ्रीडीज के एमपैक 4 बॉक्स में देख पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं चैनल कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैनल है तो उसका नाम है संस्कृति 24/7, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। भक्ति का चैनल है 24/7, आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। 5 तारीख से यह है आपके चैनल लिस्ट में आ जाएगा और कई बार यहां पर न्यूज़ कैटेगरी भी आपको देखने को मिल जाती है। संस्कृति 24/7 अभी 93 डिग्री डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में आपको डीडी फ्रीडीज मिलता है उसी डायरेक्शन में सी बैंड का सैटेलाइट है। इस डायरेक्शन में आपको यह चैनल फ्री टू एयर देखने को मिल जाता है। अब केयू बैंड पर भी आपको मिल जाएगा, 5 तारीख से ऐड कर दिया जाएगा। अगर दूसरे चैनल की बात करें तो दूसरा चैनल हमें 83 डायरेक्शन में जी सेट 30 सैटेलाइट पर मिलता है। जी सेट 30 सैटेलाइट पर हमें यह चैनल मिलेगा जिसका नाम है सुराजा एक्सप्रेस, जिस पर अभी मेरे पास नो सिग्नल हो चुके हैं। कई बार सिग्नल आ जाते हैं और कई बार नो सिग्नल देखने को मिल जाता है। स्वराज एक्सप्रेस एक न्यूज़ चैनल है जिसको आप 5 तारीख से डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। तो ये दो चैनल हैं जिनको एमपैक 4 स्लॉट में ऐड किया जाएगा, और इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको केवल अपना बॉक्स रिट्यून करना होगा। टेस्ट के नाम से दो स्लॉट, टेस्ट 616 और टेस्ट 622, ये दो स्लॉट खाली हैं। इनके स्थान पर आपको ये दो चैनल मिल जाएंगे। 5 तारीख को पता चलेगा कि कितने नंबर पर कौन सा चैनल ऐड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।